क्या बात है राजू, बहुत खुश लग रहे हो। चुप कर, अभी हकला कर बोला ना तो तेरी खैर नहीं, कम से कम ये रिश्ता तो फाइनल हो। इसलिए हनुमान जी को पूजा था। ठीक है, लेकिन पूजा इतनी लंबी नहीं होती है, चल। उतर। एक मिनट। हमेशा चोरों की तरह ये कोट क्यों पहनता है? शुभ शुभ बोलो, कृष्ण भगवान को बांसुरी प्यारी है तो मुझे ये कोट। मेरी कामयाबी की वजह ये कोट ही है। पहले मेरी शादी करवा, पागल कहीं का। चलो उतर। उसी के लिए तो आया हूँ, चलो उतरो। अरे आओ बेटा। अच्छा, वास्तु बढ़िया है। ध्यान से आना, चलो आओ बैठिए। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। मिठाई लीजिए। तुम भी लो बेटा। नहीं नहीं, लड़का शायद शर्मिला है। हकलाता भी है। क्या कहा? मेरा मतलब ये संस्कारी भी है। वो तो दिखाई दे रहा है। मिठाई तो बहुत अच्छी है जी। इन फोटोज में अभिषेक बच्चन रामचरण एनटीआर है ना? या। किस शूटिंग में खिंचवाई थी? शूटिंग में नहीं, मैरिज की है। इनकी शादियां मैंने ही करवाई हैं। अमिताभ बच्चन की शादी भी आपने ही करवाई थी? वो मैंने नहीं, पिताजी ने करवाई थी। अब मैं बाहुबली के प्रभास जैसे दिखता हूँ तो क्या करूँ? एनीवे, नाइस स्वीट। पहले बकवास और खाना बंद करके लड़की को बुलाने को बोल। अब जरा लड़की को बुला दीजिए, मुहूर्त बीता जा रहा है। ठीक है ठीक है, वो जरूरी बात तो मैं भूल ही गया। लक्ष्मी, बेटी को लेकर यहाँ आओ। बेटा, लड़की पसंद आई ना? पसंद है जी। मती मारी गई मेरी। तो ठीक है, आपके घर वालों से बात करके मुहूर्त निकलवाते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? किस लिए? मैं हकलाता हूँ ना। हकलाने में क्या है बेटा, आजकल तो गूंगे बहरों की भी शादियाँ हो जाती हैं। हकलाना बड़ी बात नहीं है। आपका जवाब नहीं है। वैसे मैं आपकी बेटी को पसंद हूँ? 100% पसंद हो, इसीलिए तो मुहूर्त निकलवा रहा हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी से बात कर सकता हूँ। हमारा परिवार संस्कारी है बेटा, सिनेमा की तरह साइड में ले जाकर बात करना हमें पसंद नहीं। शादी के बाद एक साथ सारी बातें कर लेना। साइड में नहीं, यहीं बात कर लूंगा। आपका नाम? संध्या। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12वीं के बाद पढ़ाई रोक दी, कॉलेज में लड़कों से तंग आकर। आपको खाना बनाना आता है? वो आप रुकिए, आप बोलिए। सुनो बेटा, पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है? पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है? क्या कहा? अरे पूछ रहे हैं खाना बनाना आता है। इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? इसलिए कहा था मशीन लगा लेती हूँ, चुप करो। पागल कहीं का, पागल कहीं का, बेवकूफ। ए क्या कर रहा है, इस तरह गालियां मत दे, घोर पाप है ये। घोर पाप है? काट कर मार दूंगा। बेवकूफ, लड़की की जगह साउंड मशीन दिखाने ले गया था। हां, बहरी और हकलाने का कॉम्बिनेशन सेट करके पूरा कमीशन मार लेना चाहता था। लालची कहेंगे, लालची। मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे ये बोलकर बदनाम मत कर। अरे वो बहरी है, मुझे क्या पता था, मैंने भी तो तेरी तरह फोटो ही देखा था। इस बार माफ कर दे यार, जल्द ही तेरे लिए मस्त सुंदर सुशील कन्या ढूंढ कर लाऊंगा, फिर तेरी शिकायत दूर हो जाएगी। चुप बैठ, पिछले कुछ सालों से यही तो सुन रहा हूँ, तेरे देखने से पहले ही बुढ़ा हो जाऊंगा मैं, बेवकूफ कहीं का। डांट मत यार, कहा ना ढूंढ कर लाऊंगा। मुंह बंद कर। इस बैड मूड से बाहर आने के लिए इसे अंदर डालनी पड़ेगी। क्या यार, तू दारू भी पीता है? रेगुलर नहीं यार, जब ग्रह दशा खराब होते हैं और बीवी मारती है तभी, वैसे ये रोज ही होता है।
तेरी कल तक तो स्कूल ड्रेस में देखकर सोचा था अब तक छोटी है, अरे बापरे 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 अब तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। अगर ध्यान से इसके साथ सेटिंग कर लूं तो रिश्ते ढूंढने नहीं पड़ेंगे। शायद एज गैप ज्यादा हो जाएगा। अपने करीना कपूर और सैफ अली खान का भी तो सेम एज गैप है, वैसे भी प्यार में एज गैप कैसा। बहुत हो गया, अंदर जा। रुको ना माँ, और दो सेट्स करने दो। तेरे सेट करने से पहले वो तुझे सेट कर लेगा, अंदर जा कहा ना। आप हमेशा ऐसा करती हो। एक दिन सड़क पर लाएगी ये आवारा कहीं का। लड़की दिखती नहीं, बस ऐसे देखते हैं जैसे खा जाएंगे। 16 साल की लड़की को नहीं छोड़ते, 60 साल की बूढ़ी को नहीं छोड़ते, ऐसा ही होता है। वक्त पर शादी ना हो तो आखिर में बच्चों को भी नहीं छोड़ते, नालायक और बदनाम कहीं के निकम्मे। क्या रे काजू, एक्सरसाइज कर रहा है तू? हाँ, कैसे हैं डोले शोले? हाँ हाँ अच्छे ही हैं, लेकिन डोलो शोलो का क्या फायदा जब सीने में ही दम अच्छा, है। सच में तू अभी बुढ़िया हो गई है, वैसे भी तुझसे क्या मिलने वाला है मुझे, फिर भी तुझे पाल रहा हूँ ना। ये भी वैसे ही है, बस देखकर खुश हो जाते हैं। क्यों भाई, दादी को किसी मूवी के टाइटल के बारे में बता रहा है क्या? ए, यहाँ मैटर मूवी के बारे में नहीं, टाइटल के बारे में नहीं। डोले शोले बढ़ाकर कुछ नहीं होगा, सीने में दम बढ़ा ऐसे मैं बोल रही हूँ इसे। क्या बढ़ाने का, दम ब्लड में होना चाहिए। वैसे भी मैं तो पूरा तेरे पति पर ही गया हूँ, जायदाद तो नहीं दी, बस हकलाना और डरना ही देकर गया। सुन, वो हकलाकर जरूर बोलते थे लेकिन तेरी तरह डरपोक नहीं थे। उन दिनों जब मैं जवान थी तब अगर कोई मुझे देखकर कमेंट करता था तब उसे पकड़ के वहीं काट देते थे वो। लेकिन तूने क्या किया रिसेंटली, जब किसी ने मुझे देखकर कमेंट किया बॉडी में दम नहीं कहकर चुपचाप वहाँ से चलता बना। क्या कहा, इस उम्र में भी तुम पर कोई कमेंट किया, कौन है वो पागल कहीं का। निकम्मे टेस्ट उसे नहीं तुझे नहीं है, वेस्ट फेलो। ये बुढ़िया क्या खाती है, जबड़ा तोड़ दिया मेरा। मैं कहाँ चुपचाप क्लब जा रहा था, यहाँ बेकार में चला आया, इस बुढ़िया का मार खाना था। अरे तुझे तो आदत है यार। हाँ ठीक है, मेरे क्लब का वक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। अच्छा कल लड़की देखने गया था, क्या हुआ? ये भी गई हाथ से। अरे जल्दी कर ले भाई, कब तक इस बुढ़िया के हाथ की रोटी खाते रहेगा। क्या बकबक कर रहा है? मैं चलता हूँ, नहीं तो मारेगी। ए काजू, सब्जियां लेनी है, नीचे आ जा। आ रहा हूँ।